हाई एवरी वन सो ले ट्राई आवर सम स्किन केयर एंड मेकअप जो अभी रिसेंटली मेरी वैनिटी में एड हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लम का रोज वाटर जो कि समर आ गया आई आई रियली नीड समथिंग हाइड्रेटिंग फॉर माई स्किन नाउ मूविंग ऑन टू द मॉइस्चराइजर दिस एक्कोलॉजी का जेलो मॉइस्चराइजर ठीक ठाक है कुछ खास नहीं लगा मेरे को मैंने इसे ये मेरी सेकेंड टब है मैंने इसको समर में भी विंटर में भी यूज़ किया था समर में भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बट आई थिंक से मुझे विंटर में ज़्यादा अच्छा लगा था नॉट इनली समर नॉ पे ब्यूटी का मैंने

इसको एज अ क्रीम स्ट्रोक क्रीम यूज करती हूँ मतलब अंडर माय बेस इट जस्ट गिव मी सम काइंड ऑफ लाइक अ फ्लैश बैक अगर मैं ऐसे लगाऊँ ना मूविंग ऑन टू द आई शेडो दिस स्विस ब्यूटी का नया आई शेडो इट जस्ट क्रीम आउट ब्रोक बट या उससे पहले एल्फ का ये प्राइमर रियली लव द आई प्राइमर इज जस्ट मेल्ट इन माई स्किन और बहुत ही अच्छी ग्रिप देता है आई uh, शेडो को एंड अगर मैं ग्लिटर आई शेडो लगा रही हूँ उसको भी ना दिस स्विस ब्यूटी का आई डो एज ऑलवेज इनके आई शेडो बहुत ही अच्छे और बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं आई डोंट नो वाई ऑल द क्लिप मिक्स एंड मैच बट आई विल टेल यू एवरी थिंग ना अभी मैं स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो यूज़ कर रही हूँ लिटरली बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया ना पिगमेंट प्ले का मेरा पहला ये आई शेडो है ये ग्लिटर लूज आई शेडो है रियली लाइक द आई शेडो बट वन थिंग आई डोंट लाइक इट जस्ट बहुत देर ये नहीं रुकता है लाइक इट जस्ट कैन नॉट स्टे वेरी लॉन्ग टाइम नाउ मैंने कोई नया आई लाइनर नहीं लिया इसलिए मैं अपना ओल्ड प्रीवियस आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ ब्यूटी का एंड देन फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये uh, नाइका बाई स्किन का इसको मैंने सो दिस फाउंडेशन इज रियली गुड है ऑयली स्किन बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा मैट है थोड़ा नहीं अच्छा खासा मैट है एंड थिक है ना मूविंग ऑन टू द कंसीलर दिस ब्यूटी का पॉट कंसीलर फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रहा था बट एज आई एम यूजिंग आई रियली डोंट इंजॉय दैट मच बिकॉज ये बहुत ही ऑयली है एंड अ समर आई रियली डोंट लाइक दैट ऑयलिनेस नो मूविंग ऑन टू द डेजलर का ये फाउंडेशन आई पिकअप इन अ डीपर शेड दैट वे आई कैन कॉन्डोर काफी ठीक है कुछ खास नहीं लगा बहुत जल्दी पैच हो जाता है अगर मैं इसको काफी अच्छे से ब्लेंड ना करूँ इसलिए मुझे ये अंडर नीद द फाउंडेशन अच्छा लगता है आज मैंने इसको ऊपर से यूज किया यू कैन सी ब्लेंड नहीं हो रहा है इतनी फास्ट बट या ओवरऑल इट्स अ गुड फाउंडेशन आल्सो इट्स अ ऑयली फाउंडेशन सो कीप इन दैट इन माइंड इट्स फॉर अफोर्डेबल एस यू कैन सी बहुत ज़्यादा पैची हो गया था इसलिए मुझे इसको फिक्स करना पड़ा बिकॉज इट जस्ट डजेंट ब्लेंड दैट वेल उसके बाद मैं ये टेंट का ब्लश यूज़ कर रही हूँ इसका कलर ना इतना प्यारा है उसके ऊपर इतने अच्छे से ब्लेंड होता है एंड लीवा ग्लो काइंड ऑफ फिनिश रियली लव दैट ब्लश नाउ मूविंग ऑन टू द पाउडर दिस पाउडर रिसेंटली ब्रॉट एंड मैंने इसका रिव्यू भी फुल ऑन दिया है सो यू कैन चेक इट आउट कि कैसा मुझे लगा एंड एवरी थिंग नॉ मूविंग ऑन टू द ब्लश मैं ये स्विस ब्यूटी के पैलेट में ब्लश था मैं यूज़ करी काफ़ी खा, अच्छा खासा पिगमेंट था एंड लव द कलर शेड ऑल्सो लोकेट जस्ट मैंने सिर्फ एक बार अपना ब्रश टिप किया था एंड यू कैन सी इसमें फॉल आउट अच्छी खासी है इस पैलेट में बट यू रियली लाइक द पैलेट नाउ हाफ एंड हाफ का ये सेटिंग स्प्रे मैंने मेरा फेवरेट है भी इट हैव अ माइल्ड स्मेल एंड जस्ट ओवरऑल रियली ग्रेट सेटिंग स्प्रे नाउ मैं अपने लोअर लैशेज पर भी आई शेडो लगा रही हूँ नाउ दिस मस्कारा बाई एसेंस का रियली गुड मस्कारा मैंने इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सिर्फ एक कोट लगाया एंड यू कैन सी द डिफरेंस लाइक जिस यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग एसेंस का मस्कारा मेरे पास कोई नई लिपस्टिक नहीं थी तो मैंने यही यूज की अपनी पुरानी फेस कैनडा की एक लिपस्टिक थी रियली लव द शेड करंटली ना मूविंग ऑन टू द लिपटेंट ये मैंने एटीड हाउस का लिपटेंट खरीदा था ना इसको मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट किया था मैं मम्मा ने रिटर्न कर दिया बिकॉज इसका स्मेल ना जस्ट uh, लाइक डेंटिस्ट के पास आप जाइए तो एक स्मेल उनके यहाँ रहती है सेम काइंड ऑफ स्मेल रहती एंड यार दिस इज हाउ इट टर्न आउट होप यू इंजॉय द वीडियो इफ यू डू मेक शेयर टू लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो मे ऑन इंस्टाग्राम एंड टेल मी इफ यू हैव यूज एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट